नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश दुबे और आप देख रहे हैं यूपी स्कॉलरशिप 2021-22 के लिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, आज भी आएगी इन सभी छात्रों की छात्रवृत्ति। तो कौन से छात्र रहने वाले हैं जिनकी छात्रवृत्ति कल की डेट में आई, कुछ छात्रों की आज भी आने के चांसेस हैं, कुछ प्रूफ्स भी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के अंदर। इसके अलावा बजट और फॉर्म वेरीफाई होने को लेकर एक चौंकाने वाला अपडेट आया है, यानी कि बजट कितना बचा हुआ है, क्या आने वाले दिनों में छात्रों को और छात्रवृत्ति से नवाजा जाएगा या फिर फॉर्म जो वेरीफाई हो रहा है, कुछ कई सारे मतलब अलग अलग जगह से अलग अलग इन्फॉर्मेशन निकल के आई, सारी चीज़ों पर बात करूँगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिना देरी किए हुए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। तो चलेगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस यार, अगर आप अपना स्कॉलरशिप का स्टेटस या फिर स्कॉलरशिप का पैसा चेक करना चाहते हैं तो क्रोम पे आपको बेस्ट रोजगार सर्च कर देना है। गाइस जैसे आप सर्च करोगे, पहला वाला इंटरफेस दिख रहा होगा, यहाँ से क्लिक करके आपको होम पेज पे चले आना होगा। गाइस आपको कई सारे लेटेस्ट अपडेट मिल जाएंगे, आर्मी हो या FCI वॉचमैन हो, सारी चीज़ें आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे विजिट करके पढ़ सकते हो। इस वक्त हमें काम है यूपी स्कॉलरशिप पेमेंट स्टेटस से, तो सिंपली यहाँ पे आपको इंटरफेस दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। गाइस जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है और यहाँ पे आपको कई सारे जो लिंक्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे बेस्ट रोजगार के फील्ड में, और यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है। गाइस यहाँ पे देखिए, जो भी लिंक्स दिए हुए हैं इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए, फ्रेश रिन्यूअल जो सा भी आपका कैटेगरी हो, क्लिक करने के बाद आप अपना स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक कर सकते हैं। बाकी का आप यहीं से अपना स्कॉलरशिप का पैसा भी चेक कर सकते हैं। तो आओ यहाँ से विजिट करो और स्कॉलरशिप का पैसा चेक करो। इस यहाँ पे आप देख सकते हैं, अनुज भारती का कहना है, भाई BA की मेरी 15/1/2022 पहले 3200 रुपये आई थी और 19/2/2022 में 4800 रुपये आ गई, थैंक्स। तो भाई यहाँ पे देखिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी इन भाई साहब का आया 3200, सेकंड इंस्टॉलमेंट 4800 आया और ये BA कर रहे हैं, समझ रहे हो, बैचलर ऑफ आर्ट। तो यहाँ पे कुछ छात्रों की छात्रवृत्ति भेजी जा रही है, भेजी क्या जा रही है, जिनका पहले भेज दिया गया था 10-15 दिन पहले अंडर प्रोसेसिंग पैसा था, वही पैसा आ रहा है, समझ गए। यहाँ पर देखिए कई सारे और भी अपडेट्स हैं। सर, करेक्शन डेट अब दोबारा आ सकता है क्या? जी बिल्कुल, कम चांसेस हैं, न के बराबर चांसेस हैं, हम नहीं आने का ही उम्मीद है, मान के चलो। भाई मेरी स्कॉलरशिप अभी एक बार भी नहीं आई है, भाई मैं अपना फॉर्म कैसे मतलब भरूं और स्कॉलरशिप जो भी है वो मिल सके, वेट कीजिएगा। फॉर्म वेरीफाई है तो कुछ चांसेस हैं स्कॉलरशिप आने को लेकर, हालांकि कई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग इन्फॉर्मेशन आ रही है कि बजट ख़त्म हो गया, ये XYZ, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सर, आज मैं अपने DW ऑफिस गया था सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में, उन्होंने कहा कि जिनके भी फॉर्म में पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी आ रहा है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, 28 फरवरी तक सबका फॉर्म जो वेरिफिकेशन है वो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। तो बड़ी अपडेट है इस वक्त की सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से, छात्र जो हैं वो लगातार इस बात का कमेंट करके चीज़ें जो हैं बयां कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे, अंकित सिंह का कहना है कि सर करेक्शन की डेट कब का, यहाँ पर देख ऐसे। तो बच्चों, अगर आपको भी पढ़ाई में डाउट्स आते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसका कंप्लीट सलूशन है डाउट नट ऐप। जी हाँ, कोई भी क्वेश्चन है उसका फोटो खींचो उसके और उसको क्रॉप करो, क्रॉप करके सर्च करो, 5 सेकंड में कंप्लीट वीडियो सलूशन आप पा जाओगे। फ्री में आप सारे अनलिमिटेड सवाल जो है वो पूछ सकते हो। जी हाँ, आपको कुछ भी नहीं करना है, सारी जो भी डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं, अदर क्लास 6 या फिर 12th क्लास का हो, IIT JEE NEET CBSE बोर्ड UP बिहार राजस्थान अदर कोई सी भी स्टेट बोर्ड का हो, इट डजेंट मैटर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस सारे सवालों के जवाब आपको डाउट नट पर मिल जाएंगे। और इसके गाइज यहाँ पे आपको बता दूं, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहे हैं 9-12th क्लास की, IIT JEE NEET का भी ऑनलाइन क्लास मिल जाएगा। इसके अलावा आपको डाउट नट से पढ़ के आप रैंक 1 स्कोर कर सकते हैं, 100% रिजल्ट जो है वो दे सकते हैं। तो जाओ डाउट नट ऐप इंस्टॉल करो और आप भी एग्जाम में टॉप करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अंकित सिंह का कहना है कि सर करेक्शन की डेट कब तक आएगी, प्लीज सर बता दो, हम भी अपने फॉर्म ठीक कर दें। तो देखिए भैया, करेक्शन का डेट जो है वो निकल चुका है, अब करेक्शन की डेट दोबारा नहीं आएगी, तीसरी बार करेक्शन के लिए चांस आया था, आप लोग कहाँ थे भाई, जो भी छात्र करेक्शन नहीं कर पाया फिर एक्टिव नहीं थे। यहाँ पे देखिए, इसीलिए कह रहा हूँ गाइस, के रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, मगर कुछ लोग ऐसा नहीं किए हैं, वही लोग मतलब अभी भी काफ़ी अपडेट से मतलब रूबरू नहीं हो पाए हैं। यहाँ पे देखेंगे, पीयूष यादव का कहना है कि मेरे कॉलेज में 12, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीयूष का कहना है कि सर हमारे कॉलेज में जो बच्चे हैं काफ़ी ज़्यादा हैं और मथुरा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, इन्होंने पता किया तो वहाँ से मालूम चला कि OBC का भी डेट ही नहीं है, यानी कि स्कॉलरशिप अभी भी पेंडिंग में है। तो भाई जिन छात्रों की छात्रवृत्ति भेजी जानी थी, करीब 40-45% लोगों की, उनकी छात्रवृत्ति भेजी जा चुकी है ऑलरेडी, बाकी के जो बचे हुए छात्र हैं उनके बारे में कहा गया है कि मार्च एंड तक भेजा जाएगा। हालांकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो अधिकारी हैं वो छात्रों के साथ ये भी कह रहे हैं कि आप अब परेशान ना होइए, क्योंकि स्कॉलरशिप किसी की नहीं आएगी, जो पैसा है वो चुनाव में लगा दिया गया, ऐसा जानकारी मालूम चल रहा है, हालांकि ऑफिशियल जानकारी नहीं है और इस बात से लखनऊ DW का कोई दूर दूर का अभी वास्ता नहीं है। कल या परसों की डेट में मैं
बात करने वाला हूँ लखनऊ DW से। वहाँ पे अगर मुझे जो अपडेट मिलेगा मैं शाम को या फिर परसों शाम वाली वीडियो में, दोपहर वाली वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा अगर मैं बात कर पाता हूँ। यहाँ पे देखिए सर, मेरा सब जगह से वेरीफाइड हो चुका है, बैंक से, डिस्ट्रिक्ट से। वेट करो, बाकी का कोई खास परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। करेक्शन डेट को लेकर काफ़ी छात्र परेशान हैं, क्या सर करेक्शन पोर्टल दोबारा ओपन करवा दीजिए, मेरा फॉर्म ये गलती XYZ तो अब नहीं ओपन होगा। 8,000 रुपये मेरी भी आ गई, वायरल कॉमेडी का कहना है। इसके अलावा गाइस देख सकते हो पिफमस से पैसा क्यों नहीं शो हो रहा है, रॉन्ग फ़ोन नंबर बता रहा है, बग है भाई, वहाँ से चेक ही मत करो, डायरेक्टली बैंक बैलेंस चेक कर लो, समझ गए। सर बीएड फर्स्ट ईयर का स्कॉलरशिप फॉर्म अक्टूबर में भरा था, दिसंबर में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ गई और मेरे दोस्तों ने दिसंबर में फॉर्म भरा था, जबकि एक महीने में उनकी दोनों इंस्टॉलमेंट आई। वेट करो भाई, आपका भी सेकंड इंस्टॉलमेंट आ जाएगा, अगर फॉर्म सब कुछ सही होगा। यहाँ पे देखिए सर, मेरा आज पैसा आया है BA का 3800 रुपये। मेरा नाम सचिन है, शिवपुर जिगना जिला मिर्ज़ापुर, यानी मिर्ज़ापुर के निवासी है सचिन भाई। और इनका कहना है कि OBC कैटेगरी के छात्र हैं और इनका सेकंड इंस्टॉलमेंट का हो या फिर जो भी हो पैसा आया है, BA के छात्र हैं। तो BA अभी क्या हुआ था, पिछले 3 से 4 दिन पहले BA DLED TGT PGT इन छात्रों का मतलब आ रहा था एक स्कॉलरशिप का अमाउंट, स्पेशली सेकंड इंस्टॉलमेंट, समझ गए। अब क्या है, अब BA BSc वालों को लपेटा जा रहा है, यानी कि उन्हें भी छात्रवृत्ति का लाभ दिया जा रहा है। इसके बाद प्रोफेशनल कोर्स जैसे कि BTEC BPharma, और इनमें क्या होगा गाइस कि बता दूँ आपको, SC और जनरल कैटेगरी के छात्रों को सेकंड इंस्टॉलमेंट काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, दिया जाता है। और एक डाटा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से इन्फॉर्मेशन सामने निकल के आ रही है कि छात्रों का जो भी छात्रवृत्ति का फॉर्म है वो बिना देखे बिना समझे छात्रों का फॉर्म वेरीफाई किया जा रहा है, यानी कि मनमानी ढंग से। और वहाँ के DW अधिकारियों का कहना है कि छात्रवृत्ति अब नहीं आएगी, पैसा चुनाव में लग गया है। हालांकि ये बात आधी अधूरी है, पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं अगर पैसा चुनाव में लगना था तो 3 से 4 चरण ऑलरेडी बीत चुके हैं। अगर आप थोड़ा बहुत राजनीति के बारे में जानते होंगे, 7 चरणों में चुनाव होना है, 3 चरण में कितना पैसा खर्च कर देंगे, समझ रहे हो। तो पैसा खर्च करके गवर्नमेंट जाएगी कहाँ, छात्रों का पैसा तो ऐसे थोड़ी खर्च हो जाता है, हर चीज़ का अलग अलग एस्टिमेट। छोड़िए, इसके बारे में मैं परसों डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ, उसके लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए। UP बोर्ड ICSE बोर्ड हाई स्कूल रोल नंबर डज नॉट मैच, कक्षा 10वीं का रिजल्ट लगाना था। हालांकि ये गुड न्यूज़ है, जो छात्र करेक्शन नहीं कर पाए, फिर जिनके भी स्टेटस में अभी भी पेंडिंग की समस्या बरकरार है, अलग अलग कॉलेज में अलग अलग छात्रों के द्वारा, मतलब ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है कि उनके यहाँ नोटिस जारी किया जा रहा है और छात्रों को कॉलेज में बुलाया जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स जमा किए जा रहे हैं जो भी प्रॉब्लम है, और उसको सही कराया जाने के दुरुस्त कराया जा रहा है। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, अपने कॉलेज के रेगुलर बेसिस के कह सकते हो टच में रहना है, जिससे कि हर एक अपडेट आपको मिल सके। प्रमोटेड विदाउट मार्क्स, यहाँ पे देखिए वही मार्क्स वाला इशू है, अटेंडेंस कॉलेज वाले कॉलेज से बात करो, वही सारा कुछ देखेंगे, प्रीवियस ईयर का रिजल्ट लगाना है भाई। और लगातार छात्र जो है वो इंस्टा पे भी सेम मैसेज कर रहे हैं, हालांकि मैं गाइस इतना फ्री नहीं हूँ कि सबका रिप्लाई कर पाऊँ, लेकिन हाँ यूट्यूब के कमेंट सेक्शन को मैं रीड कर रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे, और कुछ को पिक भी कर लेता हूँ एज यूजुअल, आप देखते होंगे वीडियोस में, समझ गए। बाकी का जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो भी अपडेट होता है, वीडियोस के माध्यम से आपको बताएंगे। कुछ छात्रों की आज भी उम्मीद है सेकंड इंस्टॉलमेंट आए, जिन छात्रों की सेकंड इंस्टॉलमेंट आए उनसे रिक्वेस्ट है इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट जरूर साझा कीजिएगा और कमेंट करके बेझिझक बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।